आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। बीजेपी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ सम्मेलन का किया गया आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर अनाप शनाप बयानबाजी करने की लगाए आरोप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय में नव निर्वाचित केंद्रीय छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह किया गया आयोजित। डिपो में आने वाले राशन की थैलियों का वजन कम होने से डिपो धारकों में सरकार के प्रति पनप रहा रोष। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में बीजेपी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक घनश्याम, हमीरपुर जिला संयोजक पुरुषोत्तम ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में धूमल ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों की उत्पीड़ना के आरोप लगाए और कहा कि आज की सरकार से हर कोई परेशान है। हमीरपुर में बीजेपी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक घनश्याम, हमीरपुर जिला संयोजक पुरुषोत्तम ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में धूमल ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि आज की सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज की प्रदेश सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। 4.5 सालों में स्कूलों के बच्चों को वर्दी तक नहीं मिल सकी है। कर्मचारियों को 4/9/14 का ठीक से लाभ नहीं मिला। पेंशनरों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। धूमल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में आज हालात खराब हो रहे हैं और सभी अधिकारी भी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते आगामी कर्मचारियों को कोई भी सरकार पेंशन और लाभ नहीं दे पाएगी। समाधान करने का प्रयास किया है। आज की वर्तमान सरकार से कौन सा वर्ग खुश है? स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर पेंशनर जैसा सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, स्कूल का बच्चा पढ़ रहा उसको वर्दी नहीं मिली। जैसे किसी के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या 4.5 साल में 9 वर्दियां मिली है? नहीं मिली ना। सरकार ने कहा 100 रुपया सिलाई का हर बार देना हमारे लिए संभव नहीं है, वर्दी के पैसे सिलाई के पैसे नहीं। कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी पर गुस्सा लगा दिया, छठे सेमेस्टर के पेपर हो गए, पहले का रिजल्ट नहीं आया। हमने कहा है टेंशन केवल विद्यार्थी की नहीं होती, माँ बाप की भी टेंशन होती है। जब कमरे ही नहीं है, जब स्टाफ ही नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाएगा कौन? हमने कहा जब तक प्रॉपर प्रबंध नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही रूसा खत्म कर दिया जाएगा और तब तक मिलेगा तो लेकर जाएगा तक सुविधा ना हो, और वो भी क्या हालात होंगे। आज बड़े सीनियर अधिकारी आकर मिलकर कह रहे हैं कि प्रदेश का बेड़ा ऐसा गर्क हो गया है कि आने वाली कोई सरकार हो पेंशन और वेतन देना भी संभव नहीं होगा, विकास तो भूल जाओ। तो इस करके कर्मचारी नाराज, पेंशन नाराज, डीए की किस्त के लिए तरसते हो। अभी घोषणा हुई 15 अगस्त को कि सितंबर पेड इन अक्टूबर में डीए मिलेगा, और 10 महीने के बाद अब सेंटर ने तो कल और अनाउंस कर दिया। हमारे अनुराग ठाकुर यहाँ कल दिल्ली में बैठा और दिल्ली में बैठ करके अभी 2850 करोड़ रुपया उन्होंने हमीरपुर रेल लाइन पहुंचाने के लिए दिया। भगवान करे आप सब लोग उस दंतरात्रि रेल को हमीरपुर आते देखें, और मुझे लगता है 2-5-7 साल में ये बन के लाइन तैयार होगी और हम जरूर इसमें सफर करेंगे। एक साथी मेरा कह रहा था बदली बसा जा दिया, 10 में दिल्ली जा सकते हैं, तो कोई ये
आपको निजात दिलाई। आज हमीरपुर आपके पास, यहाँ हमीरपुर में हमीरपुर कॉलेज है, पहली हमीरपुर प्रॉपर हमीरपुर है। दो दो तीन तीन कॉलेज बीएड के खोल के दिए, आपके दुर्गारी में बीएड का कॉलेज खोल करके दिए, आपके आस पड़ोस में। लोग कहते हैं हमें क्या फायदा है इसका। कभी आपने सोचा एक बच्चा बीएड करने के लिए जब श्रीनगर जाएगा क्या माँ बाप को रात को आज के जमाने में नींद आएगी? माँ बाप सोते हैं कहीं गोली ना लग जाए, कोई उग्रवादी उसे मार ना दे। उसके खर्चा कितना होगा, कितनी उसकी असुरक्षा की भावना परिवार और बच्चे पर हो। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आज फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट अपोजिट डीप एंड कंपनी नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत। घर की छत को मजबूत व सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस। हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास ब्रिज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816645211, 9816335144। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर अनाप शनाप बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहले बयानबाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विकास योजनाओं को रोकने का काम किया है। एम्स को लेकर भी प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके चलते आज काम लटका हुआ है। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर अनाप शनाप बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहले बयानबाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विकास योजनाओं को रोकने का काम किया है। एम्स को लेकर भी प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके चलते आज काम लटका हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का विकास कांग्रेस ने रोक रखा है, आगामी 5 सालों में ब्यास सहित काम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विफलताओं को और भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। जब जब भारतीय जनता पार्टी आई तब तब विकास हुआ, तब तब प्रदेश आगे बढ़ा है, और जब कांग्रेस आई प्रदेश कर्जे में डूबा है, बेरोजगारी बढ़ी है और भ्रष्टाचार और माफिया राज एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता हो, बलात्कार आरोप अत्याचार और लूटपाट चोरी की घटनाएं आम बात है, तो उस राज्य का क्या हाल होगा? जिस राज्य का CM बेल पर और पुलिस जेल में, उस राज्य का क्या होगा? जिस राज्य के ऊपर रोज न्यायिक धब्बा लगता है,
क्या उस राज्य को आज साफ सुथरा वापस बनाने का समय आया है? तो मुझे लगता है युवाओं में शोर, भाजपा को बागडोर। वीरभद्र सिंह अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, फिर भूल जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में आज तक 5 वर्षों में उन्होंने जमीन रोक कर रखी। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं करवाई। हमारा हमीरपुर का बस स्टैंड आज से 5 साल पहले 70-75 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, उसके ऊपर 75 पैसे भी खर्च नहीं हो पाए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी सब, यहाँ तक कि CSD के डिपू के लिए भी जो जगह चिन्हित करनी थी जिला उन्नयन में, वो भी सरकार ने नहीं दी। इससे बड़ा और क्या होगा कि लगातार कांग्रेस की सरकार विकास की योजनाओं को रोकने का प्रयास करती है। 63 नेशनल हाईवे मंजूर हुए, इनसे DPR तक नहीं बन पाई। जहां तक एम्स का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है, प्रदेश की सरकार की ओर से जो कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिए। केंद्र की सरकार की ओर से जो भी औपचारिकताएं होंगी वो केंद्र सरकार पूरी करेगा। हमीरपुर में मटाहनी में दलित समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने जनता से सीधा संवाद किया और उनसे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने दलित के घर बैठकर भोजन भी किया। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर जारी हुई BJP प्रत्याशियों की लिस्ट को खारिज किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई चीज है, इसका BJP से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं वह शरारती तत्व है, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। BJP की कोई लिस्ट नहीं है, ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपने विचार रखते हैं और उनका BJP से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष ने भी उसका खंडन किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है, रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। और जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं वो शरारती तत्व हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। लगता है कि इससे BJP को नुकसान पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं होता। जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनेगी। जिस तरह से पूर्व में भाजपा की सरकारों में विकास हुआ है, धूमल जी की सरकार में 85 अवार्ड हिमाचल प्रदेश को 5 वर्षों में मिले, नंबर 1 राज्य का दर्जा मिला, ये अपने आप में दिखाता है विकास किस तरह से हुआ। शांता जी से लेकर धूमल जी तक लगातार भाजपा की सरकारों ने अच्छा काम किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय में नव निर्वाचित केंद्रीय छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर हरदीप सिंह जम्वाल ने MCOM फर्स्ट सेमेस्टर की अंकिता कुमारी, केंद्रीय छात्र संघ की अध्यक्ष BSc फिफ्थ सेमेस्टर की शिवाली शर्मा को, उपाध्यक्ष BCA थर्ड सेमेस्टर की शुभम पठानिया को सचिव और BA फर्स्ट सेमेस्टर की वंदना को शिक्षक सचिव पद की शपथ दिलाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय में नव निर्वाचित केंद्रीय छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर हरदीप सिंह जम्वाल ने MCOM फर्स्ट सेमेस्टर की अंकिता कुमारी, केंद्रीय छात्र संघ की अध्यक्ष BSc फिफ्थ सेमेस्टर की शिवानी शर्मा को, उपाध्यक्ष BCA थर्ड सेमेस्टर की शुभम पठानिया को सचिव और BA फर्स्ट ईयर की वंदना को संयुक्त सचिव पद की शपथ दिलाई। डॉक्टर जम्वाल ने बताया कि मेरिट के आधार पर केंद्रीय छात्र संघ में अधिकतर छात्रा प्रतिनिधि चुनकर आई हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्होंने नव गठित छात्र संघ को बधाई देते हुए कहा कि उनके पास छात्र सरोकारों से जुड़ी समस्याएं लेकर आए, उनके समाधान के हर संभव प्रयास किए जाएंगे, साथ ही वे कॉलेज प्रशासन को विकास कार्यों में पूरा सहयोग दें। खाना 28 से लेकर 26 तक का गठन करना था, नॉमिनेशन ये मेरिट बेस थी, इसमें हमारे 4 बियरर हैं और 14 CR से या कल्चर एक्टिविटीज हैं, दूसरे उन्होंने लक्ष्य प्रकट किया है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सारे प्रोसेस को 10 दिन के अंदर कम्प्लीट किया और उसका परिणाम है आज ये कल्पना देवी ये CSE को मना पा रहे हैं है कि इसमें जो मैक्सिमम है गर्ल्स हैं जो मैरिट बेस्ड CSE में
ये क्लास जैसे होती है उसी हिसाब से होती है, जैसे उसका शेड्यूल होता है कि किस क्लास में इसको रिजल्ट देना है, वो मेरिट में उसका वो नहीं है ज्यादा, जो हायर क्लास है उसमें से लेना है, पर 90 अब। नवनियुक्त केंद्रीय छात्र संघ की अध्यक्षा अंकिता कुमारी ने कहा कि छात्र हित के मुद्दों पर उनका सहयोग सदैव ही कॉलेज प्रशासन के साथ रहेगा। कक्षा प्रतिनिधियों के रूप में सोनिका, पूनम ठाकुर, अंकिता शर्मा, अलका कुमारी, सुमना देवी, पूनम देवी, शिल्पा कुमारी, प्रियंका, कल्पना देवी, निकिता ठाकुर, संगम, दक्ष कुमार ठाकुर, अनिल कुमार, शिल्पा राय, जितेंद्र कुमार इत्यादि ने शपथ ग्रहण की। प्रोफेसर नीलम गुलेरिया ने एनसीसी से नवीन कुमार व निधि शर्मा, एनएसएस से अमित ठाकुर व नविता कुमारी, रोवर्स एंड रेंजर्स से अनिल गुलेरिया व खेल गतिविधियों से विकास ठाकुर व सुमना देवी, सांस्कृतिक गतिविधियों से निखिल व निखिल जसवाल, क्लब सोसाइटी से नीरज कुमार व पूजा को शपथ दिलाई। मैं महाविद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कॉलेज प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट करूंगी और CSCA का खास तौर पर और कॉलेज प्रशासन का धन्यवाद। 17 MC 0 32 कक्षा M.Com/M केंद्रीय छात्र परिषद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक, राजकीय स्नातकोत्तर राजकोषीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर के अध्यक्ष के रूप में ईश्वर को साक्षी मानकर यह शब्द लेती हूँ कि मैं अनुशासन में रहते हुए महाविद्यालय के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। केंद्रीय छात्र परिषद के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगी तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे महाविद्यालय के प्रगति में बाधा पहुंचे तथा इसकी छवि को क्षति पहुंचे। धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आए पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नए लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762 88942339090। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट।
तो आज ही आएं ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिपो में आने वाले राशन की थैलियों का वजन कम होने से डिपो धारकों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। चीनी और आटे की थैलियों में मात्रा कम होने से डिपो धारक सभी राशन कार्ड धारकों को नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही उन्हें राशन वितरण करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो में आने वाले राशन की थैलियों का वजन कम होने से डिपो धारकों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। चीनी और आटा की थैलियों में मात्रा कम होने से डिपो धारक सभी राशन कार्ड धारकों को नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही उन्हें राशन वितरण करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो में राशन पूरा नहीं आने से लोगों के साथ साथ डिपो धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो धारकों का कहना है कि सरकार द्वारा जो राशन उन्हें प्राप्त हो रहा है उसमें लिखे गए वजन के अनुसार सामान्य सामान का वजन पूरा नहीं है, जिसके चलते घाटे की सारी भरपाई डिपो धारकों को पूरी करनी पड़ रही है। सामान का वजन कम होने के कारण अब डिपो धारकों को इससे हो रहे घाटे को पूरा करना चुनौती बन गई है। प्रदेश डिपो संचालक के महासचिव अशोक कबी ने बताया कि सिविल सप्लाई द्वारा जो राशन उन्हें प्राप्त हो रहा है उसमें लिखित वजन ज्यादा और वास्तविक वजन कम है, जिसके चलते घाटे की भरपाई डिपो धारकों को करनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हर गोदाम में छापेमारी की जाए और गोदामों में कहां घोटाला हो रहा है उसका भी पता लगाया जाए। साथ ही सरकार द्वारा 6 दालों में से 3 दालें चुनने के फैसले को भी वापस लेने की मांग प्रदेश डिपो संचालकों ने की है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के कुछ मेंबर माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री जी एस बाली से नूरपुर में मिलने गए अपनी मांगों को लेकर। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो नगरोटा सूर्य के तहत एक सहकारी सभा का डिपो है सपरू, तो वहाँ डिपो पे राशन उतर रहा था। हमने उसको अचानक चेक किया और उनका जो माल जो सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने भेजा था उसको हमने उसका वेट चेक किया, तो जो हमने लेवी शुगर का बैग जो चेक किया तो लेवी शुगर का बैग निकला 99 किलो 800 ग्राम, जबकि इसका वजन होना चाहिए था 50 केजी 100-150 ग्राम होना चाहिए था। जो खाली बैग है उसका वेट मिला के 50 केजी 150 ग्राम चाहिए था। वही हाल था आटे की थैली का, 10 केजी वाली जो थैली थी उसका वेट निकला 9 किलो 900 ग्राम, जबकि इसका वेट चाहिए था 10 केजी 100 ग्राम। वही हाल नमक का था, नमक 24.5 केजी का बैग था जबकि ये चाहिए था 25 किलो 100 ग्राम। तो ये नेट वेट की जो आइटम है इसके ऊपर जो नेट वेट वाली आइटम है उसकी उनकी ये हालत है, तो जो ग्रॉस वेट में सिविल सप्लाई कारपोरेशन रिपोर्ट है वो सप्लाई करती है तो उसमें ये कितनी धांधली करते होंगे मैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमने 2 महीने पहले भी इसी डिपो को चेक किया था और जो वहाँ के इंचार्ज है सिविल सप्लाई कारपोरेशन के श्री प्रभात जी, उनसे बात की थी और उन्होंने सॉरी कहकर जो है वो अपना पीछा पिछली बार छुड़ाया था। कल भी जब हमने इनको दूरभाष के ऊपर बात की, मोबाइल से हमने उनको कॉल करी, तो कल भी उन्होंने सॉरी कहकर अपना नंबर जो काट दिया, हमारे से बात नहीं की। तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि ऐसे जो सिविल सप्लाई के जो कारपोरेशन के गोदाम है प्रदेश भर में जहां ये लूट मची है और डिपो होल्डर को लूटा जा रहा है, इनके विरुद्ध जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनके विरुद्ध छापेमारी की जाए, इनके गोदाम चेक किए जाए कि इनके पास जो सरप्लस माल है वो कहां से आ रहा है। ग्राम पंचायत घोड़ी दवीरी में सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा ग्रामीण बैंक का उद्घाटन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा, मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, महामंत्री चतुर सिंह कौशल, उपाध्यक्ष राजेंद्र, जिला परिषद राकेश भी मौजूद रहे। बलदेव शर्मा ने बड़सर की जनता को इस सौगात के लिए सांसद अनुराग ठाकुर का आभार प्रकट किया। आपके लिए पानी की सुविधा नहीं दे पाए, जो आपका बेरोजगारी भत्ते का वायदा करके आपको नहीं दे पाए, जो शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो शिक्षा के लिए आए 270 करोड़ रूपये बगैर खर्च किए केंद्र को वापस चले जाए, जो केंद्र की योजनाओं के पैसों को सरकार खर्च नहीं कर पाए, क्या आप उस सरकार से हिसाब मांगोगे नहीं मांगोगे? मांगेंगे नहीं मांगेंगे? जे जनता ही चुपरेगी कि बोलिया खटे वाली सड़क चलती रहनी, बगैर पानी से जिंदगी चलती रहनी, तो फिर ही गल नहीं बननी, फिर बदलाव लियाना पैना। और हिमाचल प्रदेश में तो मुझे दुख होता है कई बार ये कहते हुए कि जब प्रदेश का मुखिया ही कहे कि चोरी डकैती लूटपाट बलात्कार हत्या आम बात है, इसको मीडिया क्यों तूल देता है? तो मैं मीडिया के मित्रों से पूछता हूं
और आपसे भी पूछता हूं कि क्या चोरी डकैती लूटपाट बलात्कार हत्या होती रहनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। गुड़िया के साथ जो हुआ वैसा इस प्रदेश में होना चाहिए? नहीं। क्या उसको इंसाफ मिलना चाहिए? नहीं। कैसे मिलेगा? प्रदेश की पुलिस दिलाएगी? नहीं। आप अंदाजा लगाओ कि एक पूर्व सांसद मुख्यमंत्री जी की पत्नी पीड़िता के परिवार में जाकर कहती है तुम सीबीआई जांच मत मांगो, प्रदेश की पुलिस पर विश्वास करो, 30,000 रुपए का पैकेट थमाने का प्रयास करती है, परिवार मना कर देता है। शे, शे, क्यों दबाव बनाया जा रहा था कि प्रदेश की पुलिस पर ही विश्वास रखो? क्या वो कुछ कर पाए? अगर हिमाचल प्रदेश की जनता सड़कों पर ना उतरी होती, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन ना किए होते, छात्र संगठन सड़कों पर ना उतरे होते, तो जिसके साथ जंगलों में जिसको मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके साथ बलात्कार करके उसकी हड्डियां तोड़कर उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको न्याय नहीं मिल पाता। मैंने लोकसभा में गुड़िया के न्याय का मामला उठाया, राजनाथ सिंह जी से मिलकर सीबीआई जांच करवाई, तो आज जाकर वहां पर आईजी समेत हिमाचल के 8 पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए। हमीरपुर से सरकाघाट जाने वाली बसों की सुविधा न मिल पाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्राइवेट बसों में सफर करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को काम पर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कर्मचारियों और लोगों द्वारा इस बस को जल्द से जल्द चलाने की सरकार से मांग की गई है। बसों की सुविधा न मिल पाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्राइवेट बस में सफर करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को काम पर जाने और घर वापस आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कर्मचारियों और लोगों द्वारा इस बस को जल्द से जल्द चलाने की मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पेंशन कल्याण संघ बोरंस खंड के प्रधान जगदीश चंद ने बताया कि बस के न चलने से कर्मचारियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह ये बस 1 महीने से बंद है, साथ ही उन्होंने इस को जल्द चलवाने की मांग की है। जनता को भारी रोष है कि जो सरका घाट को बस शाम को 6 बजे से बोरंस से उठती हुई में आती थी और सुबह 9 बजे सरकार को वाया नया ताल घोड़ने को भी जाती थी, इसलिए कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बस 1 महीने से बंद है, तो मैं प्रशासन से, जनता की तरफ से, आम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको शीघ्र चलाया जाए ताकि कठिनाइयों का सामना जनता को ना करना पड़े। दूसरी बस युवा देवी भोटा को चलती है, जो जिसका रूट वाया नहर है, तो हम प्रशासन मांग करता है कि इस बस को जैसे चलती है वो नहर से होती हुई भोटी को जाए, ताकि लोगों को इस सुविधा का लाभ उठा सके। तो पेंशन संघ की जो पुरानी मांगे थी कुछ सरकार ने मान ली है, उसका कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है। जो हमारी बाकी मांगे हैं तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द देने की कृपा करें। हम सदा सरकार के आभारी रहेंगे। जय हिमाचल, जय भारत। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले